अस्सलाम वालेकुम सबको, रमज़ान मुबारक हो। आज हम सबका पहला रोज़ा है, तो मैंने सोचा कि मैं मैक्रोनी बना लूँ। उसके लिए मैंने पानी रखा है ताकि पानी बॉयल हो जाए और उसके बाद उस पर मैं मैक्रोनी ऐड करूँगी। मैक्रोनी बॉयल करना है, मैंने मैक्रोनी बॉयल करके और मैं बनाने लगी हूँ बल्कि मैक्रोनी वाले समोसे। उसके लिए मैंने मटर भी लेके रखे हैं, मटर भी ऐड करूँगी। ये जल फ्रेजी मैक्रोनी है, बस पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। आई थिंक पानी बॉयल हो गया, अब मैं इसमें ये डालें लगी हूँ मैक्रोनी। ये हमने इसमें मैक्रोनी डाल दी है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। हमारी फैमिली बड़ी है तो इसलिए मैं दो पैकेट ऐड करूँगी। मैंने इसमें मटर ऐड किए थे तो ये अच्छे से बॉईल हो गई है, मैक्रोनी भी और मटर भी दोनों चीज़ें बॉईल हो गई हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ फ्रेश पानी में से। हमने मैक्रोनी इसमें निकाल के रख दी है और अब हम बनाने लगे हैं इस मैक्रोनी का मसाला। हम इसमें ऑयल ऐड करने लगे हैं मैक्रोनी के लिए। ये मैं प्याज से ले आई थी गार्लिक चिली सॉस और टमाटो केचप, ये भी अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। करने लगी हूँ मसाला जो इसका था मैक्रोनी का। अमीन सर खा रही है कि मुझे दिखाओ ये क्या बन रहा है, दिखाओ। अब लास्ट में इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ वो जो मैक्रोनी और वो बॉयल करके रखा था। मैं इसको मिक्स कर लूँ अच्छे से फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे पास है ये ग्रीन चटनी, ठीक है मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूँ ताकि और स्पाइसी और मज़ेदार बन जाए। मैं ये भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। मेरे पास ये मक्खन रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ मक्खन इसमें ऐड करती गई है मेरी मैक्रोनी रेडी। उसके बाद हमने समोसे की पट्टियाँ लेनी है, उसमें इनको फिल करना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। हेलो गाइस, आज मेरा पहला रोज़ा है और मैंने रख लिया है। अब मुझे इतनी भूख लगी और मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ और इधर मेरी मम्मा बना रही है मैक्रोनी और मैं भी आई हूँ। मैं इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा 12:30 पे रोज़ा खुल जाता है तो 1:30 पे भी खुल जाएगा। मम्मा ने बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है। आपको रोज़ा पता कब खुलेगा? मगरिब टाइम। मगरिब टाइम क्या टाइम रहेगा उसका? उस टाइम 6 पता नहीं, मुझे पूरा याद नहीं है। अच्छा आपका भी रोज़ा है? जी मेरा भी। आपको भी रोज़ा लग रहा है? नहीं लग रहा ना, बस मेरे अजवा को तो रोज़ा नहीं लग रहा।